Yo, what's up guys? कैसे हो सभी लोग? Welcome back to my new video. तो guys, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये cube solve करना. तो morphix का tutorial देने वाला हूँ. सिखाने नहीं वाला हूँ और tutorial भी देने वाला हूँ. मतलब दो सेम ही होता है. तो guys, आज मैं मेरी speed में नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये video बहुत लंबी हो जाएगी. वरना भाई मेरी speed में दिखाऊंगा तो मेरी स्पीड की एक स्पेशल वीडियो अलग से आने वाली है. तो वो बाद में देख लेना, बाद में आएगी वो. तो गाइस क्या भाई, और गाइस हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये जो क्यूब है मास्टर मॉर्फिक्स है, इसका नाम मास्टर मॉर्फिक्स है और मेगामिक्स की भी आने वाली है. तो ये वीडियो मैं पार्ट में बनाने वाला हूँ और ये वीडियो का पार्ट है वन. तो और ये क्यूब सेफ शिफ्टर है. तो जैसे कि ये देख लो भाई, मतलब पूरा सेप ही बिगड़ गया है वीडियो. ये देखो गाइस, सेप ही पूरा बिगड़ चुका है. देखो भाई सॉल्व करना पड़ेगा. अरे नीचे हो गया भाई, हो गया भाई सॉल्व. तो ये पहले ऐसा था, अब पहले कैसा था बिगड़ा हुआ, और ये सॉल्व कैसा है ये देख लो. ठीक है, तो देर नहीं करवाते, स्टार्ट करते हैं गाइस. तो आ जाओ. तो गाइस ये रहा मेरा मास्टर मॉर्फिक्स का क्यूब. तो इसको सबसे पहले मैं बिगाड़ देता हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो गाइस मेरा ये जो मास्टर मॉर्फिक्स का क्यूब है वो पूरा बिगड़ चुका है, ये देख लो गाइस. और मैंने पहले ही और आपको लग रहा होगा कि इसका शेप तो पहले से चेंज हो गया पूरा, मतलब कैसा था और कैसा हो गया. तो गाइस मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक सेफ शिफ्टर क्यूब है, तो ये सेफ शिफ्ट कर लेता है. तो ये देखो गाइस पूरा मतलब. और गाइस हाँ, आपको मैंने क्या बताया था कि क्रॉस में डिफिकल्टी होगी, और डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ उसके ये जो होते हैं शेप, ये तो इसका जो शेप है उसके वजह से ही होती है डिफिकल्टी. क्योंकि ये बहुत मतलब ये 3x3 की जैसे ही सॉल्व होता है. मैंने आपको सिखाया था 3x3 इसके जैसा ही है, लेकिन इसका जो शेप है ना उससे बहुत लोग छोड़ देते हैं इसको सॉल्व करना. कि ये वो बोलते हैं कि ये हट यार, ये नहीं होगा मेरे से सॉल्व यार. वो ऐसा नहीं करना भाई, हमको सिर्फ सॉल्व ही करने का पकड़ लेना है भाई. मुझे सॉल्व करना है तो करना ही है भाई, पकड़ लिया पूरा, जीत पकड़ ली. सॉल्व करना है तो करना ही है. तो गाइस अब मैं आपको सिखाना स्टार्ट करता हूँ क्रॉस. तो गाइस सबसे पहले क्रॉस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सेंटर्स अलाइन करने पड़ेंगे, और सेंटर्स ये वाले. आपको लग रहा होगा कि ये तो 3x3 में एज होते हैं, बट और ये सेंटर है इसमें. तो गाइस मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है ये सेंटर नहीं, ये कॉर्नर है, और ये तीन सेंटर है, 1 2 3 एज वाले सेंटर हो गए इसमें. तो गाइस इसमें देखो इधर ब्लू है, इसमें भी इधर ब्लू है, बट इसमें ब्लू नहीं है, तो ये फेस तो नहीं होगा. ग्रीन भी नहीं है और रेड भी नहीं है इसमें. कब तीन कलर एक साथ होने चाहिए. तो इधर देखते गाइस, तो इधर ग्रीन इधर है, फिर इधर येलो है, और इधर येलो है. तो ब्लू इधर भी नहीं बनने वाला, तो उसको जाने दो. इधर कहाँ से, एक सेकंड गाइस. हाँ ये देखो गाइस, इधर ये दोनों येलो हो चुके हैं, और ये इधर भी येलो है. तो उसको ये वाला येलो, इधर येलो सरफेस बनेगा, इधर येलो को ऊपर ले लेंगे. ये वाला सेंटर है, ये दोनों सेंटर जॉइन है. तो इसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो फ्रंट लेयर है, ये आर लेयर आ रहा है, ये फ्रंट है ना, तो ये एल है, एल ये वाली है. रुको गाइस, ये वाली एल है, नहीं ये वाली एल है, और ये वाली बैक है, बी. ओके, तो सबसे पहले हमको इसको ऊपर लेना है ना इधर. तो हम आर टू करेंगे, आर वन और आर टू. ये तीन येलो हो चुके हैं इधर, फिर इधर देखो आ जाओ,
ये इधर ब्लू है तो ये ब्लू और ब्लू ये रहा है, तो फिर से जो लेयर में बिगड़ा हुआ होता है वो ही लेयर को घुमाना होता है। तो ये लेयर में बिगड़ा हुआ राइट लेयर में, तो राइट लेयर घुमाएंगे हम आर डैश ऐसा पीछे की तरफ है तो आर डैश करेंगे, और अगर सामने की तरफ है तो आर करेंगे, और नीचे है तो आर टू करेंगे, और ऊपर है तो सॉली है। और अब ये बी बी लेयर में है साइड में, लेफ्ट साइड इशारा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बी डैश करेंगे, ऐसे करेंगे पीछे से ये। अच्छा ब्रो कर दिया ब्रो, ये देखो गाइस ये ब्लू तीन हो गए, एक जो जाता है एक सेंटर तीन में, एक सरफेस पे तीन सेंटर सेम कलर के हो जाते हैं, बाद में सारे सेंटर हो जाते हैं, कोई एक रहता है उस सरफेस पे वो ही होता है, बाद में डिफिकल्ट नहीं आती वो बोलता। तो गाइस अब मैं हमको क्या करना है कि ये रुको गाइस एक सेकंड, ये है ये देखो, तो ये वाला हमको ऐसे क्रॉस बनाना है, इधर से पूरा ऐसे और इधर से पूरा ऐसे, हम जैसे 3x3 में प्लस बनाते थे ना ऐसे वाला, इसमें प्लस बनने का कोई नामो निशान भी नहीं है क्योंकि प्लस का शेप ही नहीं है इसमें, ट्रायंगल है ना। तो पिरामिड में भी हम क्रॉस ही बनाते थे, पहले एक कलर फिर दूसरा ऐसा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर। तो गाइस वो सब बातें छोड़ डालते अब इस पे फोकस डालते ब्रो। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला दो हो चुका है, ये दो हुए हुए हो गए हैं, तो ये दोनों को बाकी है, ये दोनों, ये वाला शायद से इधर आएगा या फिर इधर का घुमाना पड़ेगा, तो हमको ये वाला है ना ये इधर ही घुमा डालते हैं ऐसा करके। तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे नीचे लेना पड़ेगा, ऐसे था नीचे लिया, फिर ऊपर लेना है और ऐसे कर देना है, हो गया। रुको गाइस एक सेकंड, ये देखो ये बिगड़ा हुआ था वापस जॉइंट कर दिया, फिर अब हमें क्या करना है, ऐसे बिगाड़ दिया था कोई बात नहीं, ये बिगड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये सॉल्व हो चुका है, तो अब इसको वापस करना पड़ेगा, और वापस करेंगे तो ये फिर उधर चला जाएगा, तो ऐसे करना है, फिर इसको नीचे लेंगे ताकि ये वाला सॉल्व हो जाए, और बाद में ये वाला ऊपर कर दे हम, और ये वाला तो बिगड़ेगा ही नहीं क्योंकि वो इस वाले लेयर का तो मैं हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो ये हमने जो नीचे लिया था वापस ऊपर ले लिया, नीचे लिया था ऊपर, हो गया। ये देखो ये वाली एक हमारी लाइन बन चुकी है, ये देखो ये पूरा पूरा हो चुका है। अब इधर एक ब्लू सेंटर चाहिए, मतलब ब्लू एज चाहिए, ये वाली एज है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाला उसके नज़दीक जो है, ये उसके नज़दीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं पूरा। अरे भाई जब अरे हो जा रहे को गाइस फिक्स कर, हो गया। चलो ब्रो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो है ये वाला, इसको हम इधर से इधर लेना है, ये वाला इधर आ गया नज़दीक आ गया, तो इसको हमको क्या करना है, हम ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे था ऐसे किया फिर ऐसे किया और कर डाला, हो गया। तो गाइस ये बिगड़ा है ना, कोई बात नहीं गाइस ये बिगड़ा है, इसको वापस से ऊपर कर देंगे, कोई बात नहीं गाइस ये बिगड़ा है कोई बात नहीं, इसको इधर नहीं लेंगे, ये वाला बिगड़ा हुआ था वो वापस आ गया। तो अब हमको करना क्या है इसमें, इसको ये वाला है इसको पूरा नीचे ही कर डालना है, इसको जाने दो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे था ये देखो ये ऐसा था, उसको नीचे भेज दिया, और ये वाला है मतलब ये वाला इसको इधर ले लेंगे, फिर पहले हमने जो किया था वो ही ऐसे नीचे लेकर ऐसे करके और ऊपर, फिर आपको लगा होगा कि ये किधर गया, बिच्छू हो गया, लेकिन ये रहा ना नीचे किया था ना वो ऊपर ले लिया। तो गाइस देखो ये तीनों सेंटर फिक्स है, ये तीनों भी इधर फिक्स है, और ये दोनों एज ये देखो क्रॉस बन चुका है, ये सेंटर्स को भी गिनना पड़ेगा क्रॉस में, मुझे
मुझे पहले मैं जब बनाना स्टार्ट किया मैंने खुद से तो मुझे लगा ये ही क्रॉस होगा, बट ये क्रॉस था। ये देखो इधर से इधर, इधर से इधर है, फिर ये देखो गाइस। तो अब मैं गाइस तो मैं आपको अब सेकंड पार्ट में सिखाने वाला हूँ कि ये जो फर्स्ट लेयर कैसे होती है, मतलब फर्स्ट लेयर कैसे बनती है। ओके गाइस तो मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, बाय बाय।